हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात कर रही हूँ कि 9 नंबर यदि रिपीटिवली आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। इससे पहले मैंने 1 2 9 मिसिंग है और उसके रेमेडीज़ के बारे में सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। रिपीटेटिव नंबर्स के बारे में भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, यदि आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि 9 यदि 1 2 3 4 बार आता है तो वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने सुझाव, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो 9, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये रूल्ड बाय मास होता है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी भी इंसान को पैशन देता है, अग्रेशन देता है, नेम और फेम देता है, सोसाइटी में रिकॉग्निशन देता है। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको ह्यूमैनिटेरियन बनाता है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं। ये आपके करियर में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है, आप क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप आर्मी या डिफेंस में आप अच्छा कर सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसा काम जहाँ दूसरों की मदद करना हो, दूसरों की सेवा करनी हो, सोशल वर्क करना हो, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप फायर से रिलेटेड कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं। ये आपके अंदर पैशन देता है, या आपके अंदर जुनून देता है, या आपके अंदर एम्बिशन देता है। तो यदि 9 आपके डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है तो वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, वो आपको काम करने के लिए पैशनेट बनाता है। आप किसी भी काम को बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ कर सकते हैं। आपके अंदर अग्रेशन तो होता है, लेकिन आपको पता होता है कि उसे कैसे चैनलाइज करना है, आपके अग्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। बेवजह आप गुस्सा नहीं करते हैं, बिना वजह आप किसी लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं, करियर में भी आप अच्छा करते हैं। आपको नंबर 9 एरिस्टोक्रेटिक बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 9 दो बार आता है तो ये भी आपको इंटेलिजेंट बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। आप दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन थोड़े से रूथलेस हो जाते हैं, आप दूसरों से थोड़ा सा रूडली बात करने लगते हैं और दूसरों को अपने से कम समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जब आपके पास इसकी डबल एनर्जी आ जाती है तो आपके अंदर वो ज़्यादा पैशन दिखता है, ज़्यादा एंगर दिखता है। लेकिन एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पे फायर, जो आग अग्नि है, वो एक मंदिर का दिया भी बनती है और वहीं दूसरी तरफ आग डिस्ट्रॉय भी कर देती है, जंगल में भी बड़े से बड़े जंगल को भी आग खाक कर देती है। तो इसीलिए इस आग की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। उसे यदि आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं अपने एनर्जी को, अपने पावर को, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इसीलिए अपनी इस एनर्जी को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 9 यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में दो बार आता है तो आप क्रिटिक हो जाते हैं, दूसरों की हमेशा क्रिटिसाइज करना, आप दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, आप स्टबर्न हो जाते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप करके ज़रूर रहते हैं। यदि नंबर 9 आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम्स आता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन देता है। आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं, हेस्टी डिसीजंस लेते हैं, इसकी परवाह नहीं करते हैं कि उस काम को करने से आपको नुकसान भी पहुँच सकता है, आप दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, आप थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, थोड़े से प्राउड हो जाते हैं। आप फिलेंथ्रोपिस्ट तो होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, क्योंकि 9 नंबर हमेशा दूसरों की मदद करना बताता है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी तो होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बिहेवियर की वजह से आप अकेले रह जाते हैं, आप अकेले रहना भी पसंद करते हैं और आप अकेले रह भी जाते हैं। आप हमेशा एंगर में रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत करना, किसी भी लड़ाई झगड़े में कूद पड़ना, ऐसा आपका बिहेवियर हो जाता है। यदि 9 नंबर आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है तो भी इस तरीके की आप इश्यूज देख सकते हैं। लेकिन यदि 9 नंबर आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है तो ये आपको ह्यूमैनिटेरियन बनाता है, ये आपको क्रिएटिव बनाता है, ये आपको पैशनेट बनाता है अपने काम को लेकर के, ये आपको एम्बिशियस बनाता है। लेकिन यदि आपको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है तो ये आपको एंगर इश्यूज दे सकता है, आप एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, चोटें आना, बार बार एक्सीडेंट्स होना, लड़ाई झगड़े करना, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। यदि नंबर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम
टाइम्स आता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, एक्सेस ऑफ एनर्जी आपको मिलती है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा अग्रेशन में होते हैं, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। आप क्या जो रिलेशनशिप होता है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, वो उतना अच्छा कॉर्डियल नहीं होता, या फिर आपके भाइयों के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड इशूज़ होते रहते हैं, आपके साथ भी लड़ाई झगड़े या एक्सीडेंट जैसी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि अक्सर आप अपना आपा खो देते हैं, आप अपना बैलेंस खो देते हैं, और किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में आप पड़ जाते हैं। इसकी वजह से दूसरे भी आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दूसरे भी आपको चीट करने लगते हैं, आप सही और गलत को बिना सोचे समझे कोई भी हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, और इसकी वजह से आपको कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सेस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, या आप दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्सेस यदि 9th की एनर्जी हो जाती है, तो आपके रिलेशनशिप्स फिर ख़राब होने लगते हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप ख़राब होने लगते हैं, स्पेशली भाई के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होने लगते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको इस तरह की डिसबैलेंस्ड एनर्जी मिल रही है 9th की, आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जो मेरे कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं उसे आप फॉलो करना शुरू कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। सबसे पहले है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना शुरू कीजिए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, आप अपनी एनर्जी को आप फिजिकल एक्टिविटी में निकालिए, आप जिम जाइए, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए जहाँ की आपकी एनर्जी चैनलाइज हो। नेक्स्ट है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा यदि फायर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए आप पानी का इनटेक बढ़ाइए, आप ज़्यादा पानी पीजिए। नेक्स्ट है, यदि आप बिलीव करते हैं, मान सकते हैं, तो आप हनुमान चालीसा को अपने पास रखिए भी और रिसाइट भी कीजिए। नेक्स्ट है कि आपको कुछ ना कुछ रेड कलर की हैंकरचीफ आप अपने साथ रख सकते हैं, जो कि आपके एक्सीडेंट्स वगैरह को कर्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टिप है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन का नंबर होता है, जो भी दूसरे नीडी लोग हैं उनकी हमेशा मदद के लिए आप तैयार रहिए, अपने पैसे से, अपने वक्त से, जो भी आप कर सकते हैं हमेशा करने के लिए तैयार रहिए। यदि आप कर सकते हैं, यदि आप मेडिकली फिट हैं, आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं, तो यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर की साउथ डायरेक्शन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए, यदि हो सके तो वहाँ पे कुछ आप यदि रेड फ्लावर्स लगाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है, या फिर रेड बल्ब लैम्प वगैरह यदि आप चलाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। यदि आप अपने वर्क प्लेस पर या फिर जहाँ भी आप स्टडी टेबल पर यदि आप कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो आपका जो फायर एलिमेंट है वो भी बैलेंस्ड रहेगा और आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये जो कुछ बातें हैं जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड हैं, ये जो टिप्स हैं बहुत ही ईजी हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस देख सकते हैं। इससे कुछ ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली ये आपको डिसिप्लिन में लाना होगा, अपने लाइफस्टाइल में लाना होगा, तो आप धीरे धीरे चेंजेस देख सकते हैं। और जब भी मैं न्यूमरोलॉजी टिप्स आपको देती हूँ तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि वो बहुत ही डूएबल हो, सिंपल हो, इजी टू डू हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और न्यूमरोलॉजी के फ़ायदे देखें। तो इस तरीके से इस सीरीज़ को मैं ख़त्म करती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, और न्यूमरोलॉजी की जो बहुत सारी बातें हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, उसके बारे में कुछ और बातें करूँगी। टिल देन टेक वेरी good care of yourself and thank you for watching.